अमृतसर शहर दे बानी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दा प्रकाश पुरब हर साल दी तरह इस साल भी धूमधाम दे नाल मनाया जाएगा। चौथे पातशाही जी दे प्रकाश पुरब नूं लै के सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे तैयारियां जोरां शोरां ते कीतियां जा रही हैं। एस जी पी सी दे वल्लों भी गुरमत समागमां दा आयोजन किया जा रहा है। श्री गुरु रामदास जी दे गुरपुरब मौके अमृतसर दे मुख स्थानां नूं भी रंग बिरंगियां लाइटां दे नाल रोशनाया जाएगा। अमृतसर दे गोल्डन गेट अते बस स्टैंड विखे भी सुंदर लाइटां दे नाल सजावट की जाएगी। उत्थे ही सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नूं भी रंग बिरंगे फुल्लां दे नाल सुशोभित किया जाएगा अते मनमोहक लाइटां दे नाल श्री दरबार साहब रोशनावेगा। इस बार श्री गुरु रामदास जी का गुरपुरब 19 अक्टूबर नूं मनाया जा रहा है अते ठीक एक दिन पहला श्री अकाल तख्त साहिब तो खालसा ही जाहो जलाल दे नाल विशाल नगर कीर्तन सजाया जाएगा, जो कि शहर के वख-वख गेटां तो होंदा होया शाम के समय श्री अकाल तख्त साहिब विखे आ के समाप्त होगा। गुरपुरब की गुरमत समागमों नूं ध्यान विच रखते हुए श्री दरबार साहब के मैनेजर के वलों सेवादारां दे नाल मीटिंग की गई अते उन्हां दे वलों प्रबंधा का जायजा लिया गया। तुहानूं दस दईए कि अमृतसर शहर के बानी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब दिहाड़े देशों विदेशों तो संगत नतमस्तक होने पहुँचदिया हैं अते संगतां दे विच एक विलखण उत्साह देखने को मिलता है। गुरपुरब के दिहाड़े सवेर तो ही संगत लंबिया लंबिया कतारों में लग के सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने पहुँचते हैं अते गुरु चरणों के शीश झुका के सरबत के भले की अरदास करते हैं। धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश गुरपुरब को समर्पित सचखंड श्री हरिमंदर साहब के जिहड़े प्रकर्मा च ड्यूटी निभा रहे ने अज उन्हां साडे समूह सेवादार नाल मीटिंग की आ, क्योंकि सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे जिहड़ा धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश गुरपुरब 17, 18, 19 अक्टूबर बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा। इन्हां दिनां दे विच संगत की जिहड़ी आमद आ बहुत ज़्यादा आ। सो मानयोग भाई हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जी के आदेशों मुताबिक अज जिहड़ी उस प्रबंध नूं चुस्त फुस्त करन वास्ते जो प्रबंध वधिया तरीके नाल असीं संगत दा कर सकीए उहदे संबंध दे विच अज प्रकर्मा दे समूह सेवादारां नाल मीटिंग कीती गई आ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ।